नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। पनामा गेट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को माना दोषी। कोर्ट ने पीएम पद के लिए ठहराया अयोग्य। फैसले के बाद शरीफ ने दिया इस्तीफा, केंद्रीय मंत्रिमंडल बर्खास्त। बिहार में सियासी उथल पुथल के बीच सीएम नीतीश ने जीता विश्वास मत। एनडीए के पक्ष में पड़े 131 वोट, आरजेडी को मिला 108 विधायकों का समर्थन। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच तू तू मैं। तेजस्वी ने कहा मतलब के लिए नीतीश ने मिलाया बीजेपी से हाथ। नीतीश बोले हम भ्रष्टाचारियों का नहीं देते साथ। गुजरात में राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में भगदड़ का दौर शुरू। 24 घंटे में 6 विधायकों ने छोड़ा हाथ का साथ, 3 विधायक बीजेपी में शामिल। गुजरात राज्यसभा चुनाव के लिए अमित शाह ने भरा पर्चा। राज्यसभा में पहुंचकर सरकार में हो सकती है शाह की एंट्री। चुनाव में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल की राह हुई मुश्किल। डोकलाम विवाद के बीच बीजिंग में राष्ट्रपति जिनपिंग से मिले एनएसए अजीत डोभाल। सूत्रों के हवाले से खबर, आतंकवाद पर हुई बात। डोभाल बोले सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ होना चाहिए एकजुट। जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 पर मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की चुनौती। बोली अनुच्छेद में हेर फेर पर कश्मीर में तिरंगे की रक्षा करना होगा मुश्किल। टमाटर के बाद अब रुला रहा है प्याज। 8 महीने की ऊंचाई पर पहुंची कीमत। पैदावार कम होने से 50 रुपए के करीब बिक रही है प्याज। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लगा बड़ा झटका। श्रीलंका ने क्रिकेट टीम भेजने से किया इनकार। T20 मैच खेलने का PCB का ठुकराया न्योता। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।